अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, बात इस तरह से है कि हम चूँकि पिछले 2 से 3 महीने मुसलसल तैयारी में हैं अपनी PPSC की, और हमने तकरीबन तमाम बुक्स जो हैं वो उसको कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। जो हमारे मेजर कोर्सेज थे, टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस थी, और मतलब ग्रुप थ्योरी थी, लीनियर अलजबरा, एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, वेक्टर स्पेसेस, रिंग, जो भी उसमें हमारे पास टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए। बात ये है कि देखें, जब कोई बंदा 16 साल स्टडी करता है, कोई मास्टर करता है, तो उसके अंदर आखिर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है जो वो MSc मैथ्स कर लेता है, कि ये एक सबसे टफ जो है वो सब्जेक्ट है। उसकी कैपेबिलिटीज से मुराद ये है कि उसने अपनी मैथ्स के ऊपर जो कुछ कंसेप्ट बनाए हुए होते हैं ड्यूरिंग FSc, BSc, MSc, वो चीज़ों को अपने लिहाज से समझता है। ज़ाहिर है वो समझता है तो उसके अच्छे नंबर्स आते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि फिर PPSC में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे नंबरों वाले ही उसको जो है वो क्लियर कर जाएं। तो इस लिहाज से मतलब मैं ये समझता हूँ कि PPSC के जो MCQs होते हैं उनको सोचने का और उनको सॉल्व करने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, उसको ज़रा ट्रिकी होना चाहिए। तो अब देखें, जब 90 मिनट्स होते हैं आप लोगों के पास, मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में मैं एक तफसीली जो है वो बात करूं आपसे कि हमने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, और MCQ उसको सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो है हमारे जहन में क्या चीज़ होनी चाहिए, कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला MCQ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसकी डोमेन पूछी है। तो आपका जो मेन टारगेट है ना, वो ये होना चाहिए कि आपने ऑप्शन A, B, C और D में से गलत वाले जो ऑप्शन हैं वो पहले निकाल देने, जो बाकी ठीक बचेगा उसको बस टिक कर देना है, उसको सोचना नहीं है। क्योंकि जब आप उस ठीक को भी सोचते हैं ना, ये आपके अंदर का एक वीक पॉइंट है कि आपको अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं है कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले वो 3 ढूँढने जो गलत हैं। तो जब आप 3ों पे गलत वाले पे मतलब देखें, बंदा जब गलत कर लेता ना एक चीज़ को तो हौसला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बताता हूँ बात कि देखें, इसमें फंक्शन गिवन था x+5 ओवर x-1 x-2, तो इसकी डोमेन निकालने को कहा हुआ है। डोमेन में वो तमाम पॉइंट्स हम निकाल देते हैं जिस पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए या फिर वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाए। तो हमें फ़ौरन देखते ही पता चल रहा है कि अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह पर 1 पुट करें तो भी ये 0 होता है, और नेक्स्ट वाले फैक्टर में x की जगह पर अगर हम 2 पुट करें तो भी ये 0 होता है। तो लिहाजा बाकी कोई भी नंबर दे दें, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे पास ना तो इन्फिनिटी आता है और ना ही कोई कम्प्लेक्स नंबर आता है। लिहाजा आप देखें कि R माइनस वाला जो था नेगेटिव नंबर्स, तो क्या सिर्फ नेगेटिव नंबर्स देने चाहिए डोमेन में? नहीं, पॉजिटिव पे भी तो बात ठीक होती है। R प्लस, क्या सिर्फ पॉजिटिव देने से बात ठीक है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रियल नंबर पूरे के पूरे दे दें, तो पूरे के पूरे में अब 2 फैक्टर तो ऐसे मिल गए ना कि हमें 1 और 2 हमने निकालने हैं। तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। हम आगे भी चलेंगे, मज़ीद एक कुछ ट्रिक्स आप सीखेंगे इसमें। मैं सिर्फ एक सोचने का अंदाज़ बता रहा हूँ कि भाई आपने गलत जो है वो पहले निकालने हैं। अच्छा, इसमें सेकंड जो है MCQ आपका फंक्शन गिवन है, आप ये देख लें जी, इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने आप फैक्टर बनाएंगे मतलब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, किसी को फैक्टर बनाने आते हैं कोई बस कन्फ्यूज़ होगा, आप ऐसे करें, डायरेक्ट देखें इसमें नंबर पुट करना शुरू करें, क्या ये इक्वेशन किसी नंबर पे 0 होती है? अब फॉर एग्जांपल, पहला ऑप्शन है R, पूरी की पूरी रियल नंबर्स, तो अब पूरी रियल नंबर को चेक करना हमारे लिए आसान काम नहीं है। R प्लस कोई पॉजिटिव नंबर डाल के चेक करें ज़रा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 -3 +2, 1 -3 क्या आएगा? -2 + 2 0। तो देखें, 1 एक ऐसा नंबर मिल गया कि जो x की जगह पे पुट करें तो ये नीचे 0 बन रहा है और ओवरऑल इन्फिनिटी बन रहा है। तो देखिए, ऑप्शन बी जल्दी से मिल जाएगा कि अगर हम रियल में से 1 और 2 निकाल दें तो ये नीचे से 0 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह आप गलत को पहले निकालेंगे और आपको ठीक वाला खुद ही नज़र आ जाएगा, हमें अब इसमें फैक्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो तीसरा जो है, डोमेन ऑफ f(x) इज़ इक्वल टू दिस इज़, देखें आप इसके लिए याद रखें कि जब भी कोई स्क्वायर रूट आता है ना, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि x को ऐसी वैल्यूज़ दें कि उस पर आयोटा ना बने। ठीक है जी, यानी कि अब देखें, 1 इधर एक नंबर पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट पर, और माइनस हो रहा है x का स्क्वायर,
यानी कि एक्स पे ऐसी वैल्यू देनी है कि वो वन से छोटा रहे, अदरवाइज़ क्या होगा, जब बड़ा नंबर माइनस होगा तो आंसर में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी जो कि डोमेन में हमें कबूल नहीं है। तो लिहाजा एक्स लेस देन वन पुट करें, तो अगर वन पुट करके देखें तो वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है वो ठीक नहीं है कि एक्स लेस देन वन तो चाहिए, लेकिन वन पे भी तो बात ठीक है कि उस पे फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा, बल्कि जब वन पुट करते हैं तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो ऑप्शन ए भी आपका रॉन्ग हुआ, और ऑप्शन बी चूँकि इधर है एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स को जब बड़ा देंगे वन से तो ये तो लाजमी तौर पर नेगेटिव जवाब आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शन डी भी देखें, एक्स ग्रेटर देन वाला, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। सिमिलरली नीचे आ जाएं डोमेन पे, अब इसमें स्क्वायर रूट भी है, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए और जो है वो नीचे ज़ीरो भी ना बने। वन माइनस एक्स से पता चल रहा है कि अगर एक्स की जगह पे वन होगा तब ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की जगह पे टू हो जाएगा तब भी ये ज़ीरो होगा। अच्छा, अब देखें क्या जो है वो हम सिर्फ वन और टू को निकाल दें जैसे पहले निकालते थे, नहीं, अब ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो यानी कि बात ये है, ऑप्शन डी को देखें ज़रा, इधर ओपन इंटरवल है वन से टू, तो मतलब वन और टू नहीं डाल सकते, मतलब ओपन इंटरवल में तो यही होता है कि ना तो वन शामिल है और ना ही उसमें टू शामिल है। तो लेकिन ये ऑप्शन डी इसीलिए गलत हो गया कि ये वन और टू हम शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन सी पे बात करें तो सिर्फ वन और टू है, तो सिर्फ वन और टू कर दें तो, और एक्स की जगह पर नेगेटिव नंबर दें तो सही ज़रा, जब आप नेगेटिव नंबर देते हैं तो वो मुमकिन है प्लस भी हो जाए, ऊपर स्क्वायर रूट है तो माइनस भी हो जाए। ठीक है जी। तो इसका मतलब है, अच्छा ऑप्शन बी जो है वो तो सिर्फ पहले वाले के लिए था, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, ठीक होगा। अच्छा जी, पांचवें एमसीक्यू पे हैं, आपको डोमेन रेंज पे, अब थोड़ा सा मैं मुसलसल वो एक ही बात बोले जा रहा हूँ शायद, तो मुझे खुद भी जहनी तौर पे कोफ मतलब का शिकार हो रहा था मैं, तो आप इस अंदाज़ से सोचिएगा कि आपने नीचे ज़ीरो नहीं बनने देना और आयोटा नहीं बनने देना। फंक्शन है जी x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, देखिए रेंज में मैंने ये कहा जब डोमेन में ऐसे नंबर पुट करने थे कि ये अंडर रूट वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ना दें, यानी कि आयोटा ना आए। ठीक है जी। अच्छा, x अलहदा पड़ा है। ठीक है जी। अगर मैं कर दूं कि x जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, देखें x माइनस वन स्क्वेयर रूट के अंदर अगर पुट करते हैं हम, इसकी हमें रेंज बतानी है ना, इसके हमें जवाब बताने, तो जवाब क्या आएंगे, x माइनस वन जब हम टू पुट करें तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, x प्लस वन आएगा। अच्छा, माइनस वन करेंगे तो आयोटा वाले नंबर्स आ जाएंगे, आयोटा वाले नंबर हमें कबूल नहीं है, यानी कि हमने डोमेन में क्या देने, जस्ट वन से वन और वन से बड़े नंबर, तो ये पूछी थी डोमेन, तो डोमेन में हम वन और वन से बड़े नंबर दे सकते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसकी डोमेन है। लेकिन रेंज में क्योंकि एक्स पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें बात कोई भी हो सकती है, आंसर इसका जवाब तो कोई भी आएगा ना, तो लिहाजा एक्स बिलोंग्स टू आर होगी इसकी रेंज, क्योंकि हमने वो वन तो निकाल ही दिया डोमेन में से। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव नंबर किसकी वजह से आएंगे, एक्स की वजह से, तो जल्दी से पता चलता है कि ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। इसी तरह अगर हम सिक्स वाला देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, देन एफ इनवर्स ऑफ टू इक्वल्स टू, तो अब ये इनवर्स फाइंड आउट करना नहीं आता, कोई मसला नहीं, आप ये देखें जी, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसमें से एफ उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, क्या बनेगा, एफ इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो अब बताएं हमने एफ इनवर्स के अंदर क्या बनाना है, टू, तो नीचे वाले ऑप्शन में से उठा उठा के पुट करें, ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वन, तो हमें एफ इनवर्स ऑफ वन तो नहीं चाहिए। सिमिलरली सी वाला पुट करके देखें, टू, टू का स्क्वेयर प्लस वन फाइव, हमें एफ इनवर्स ऑफ फाइव तो नहीं चाहिए, लेकिन वन पुट करें तो वन का स्क्वेयर वन प्लस वन टू, हाँ हमें एफ इनवर्स ऑफ टू चाहिए था, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ दी राइट ऑप्शन। सातवें ऑप्शन में आप जानते हैं कि कॉज एक्स और सीकेंड एक्स, कॉज एक्स भी इवन फंक्शन होता है और सीकेंड एक्स भी जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो लिहाजा दोनों का सम भी जो है वो, दो इवन नंबर्स प्लस कर लें, आपको कॉज और सीकेंड को छोड़ें, दो इवन नंबर प्लस करके देखें उसका जवाब क्या आता है, इवन आता तो इवन है, ऑड आता तो ऑड आता है, जो भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आठवां एमसीक्यू जो शायद इम्पॉर्टेंट है, हमें आर जो है माइनस वन से वन, फंक्शन है आर से कहाँ से, माइनस वन से वन ओपन इंटरवल, यानी कि ना तो माइनस वन आ सकता है ना वन आ सकता है, कहता है कि कौन सा फंक्शन बताएं बाइजेक्टिव होगा। तो अब जल्दी से देखें, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो अगर मैं इसमें पुट करूँ फाइव,
5 पुट करते हैं तो 5 ओवर 1 माइनस 5, क्योंकि आठ डोमेन है ना, तो 5 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 ओवर 4। तो ये जो है 1 से बड़ा नंबर आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, तो रेंज में तो 1 से बड़े नंबर है ही नहीं, लिहाजा ये ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी पे बात करें तो 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट x mod है। देखें इसमें 1 से छोटा तो आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जब हम x a की जगह पर मौजूद है और उसका मॉड है, अगर हम प्लस 5 पुट करें तब भी इसका आंसर सेम आएगा, माइनस 5 पुट करें तब भी इसका आंसर सेम आएगा, तो यानी कि दो नंबर्स पे ये एक जवाब दे रहा है, तो ये 1-1 की कंडीशन को फेल करता है। 1-1 की कंडीशन को कैसे फेल करता है कि दो नंबर्स हैं प्लस 5 और माइनस 5, दोनों पे इसका आंसर सेम है। डी ऑप्शन में देखें अगर, तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा है एक जगह पे एक्स का मॉड पड़ा है, माइनस 1 है, 5 दें उसको जैसे उधर था, तो 5 ओवर -1 प्लस 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 ओवर 4, तो ये भी 1 से क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो ठीक है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव फ्रॉम आर टू आर। अब आप ये देख लें मज़ीद इसको, बात अब करने वाली वही है कि आपने हौसला ये रखना है कि किसी भी तरह आपने चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और ठीक ऑप्शन नहीं ढूंढना, बल्कि उसकी जगह पर गलत ढूंढना है। देखें एक बात याद रखें, जज्बाती नहीं होना, आपका चूंकि पहला तजर्बा है तो आप जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत तैयारी कर ली है, आपने आपको पेपर आसान लग रहा है, तो पेपर बेटा वहाँ सबको आसान लगता है। हम आज भी बैठे ये बात कर रहे थे कि जब मैं PPSC दे के निकला था तो सब कह रहे थे कि 70 नंबर हैं, और मैं कह रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था, मैं इतना पढ़ के मतलब ये गया था कि ऑप्शन ठीक या गलत का उधर ही बैठे पता चल रहा था। तो लिहाजा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आपने 50 टू 60 मार्क्स अपने जहन में रखने, चारों ऑप्शंस पढ़ने, बहुत टाइम होता है, कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत किसी भी सवाल में नहीं होती, ऑप्शंस को ही उठा के क्वेश्चन में पुट करके या कोई भी उसके साथ सिमेट्री बना के देखें, आपको उसके ऑप्शंस में से ही आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, और ऑप्शन सारे पढ़ने हैं आपने, पेपर को एक दफ़ा पहले पढ़ना है, आप आंसर लगाना चाहते हैं लगा दें, बहुत एग्जैक्ट हो, नहीं तो दूसरी दफ़ा पढ़ें फिर लगाएँ जो लगते हैं, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ें, चौथी दफ़ा पढ़ें, पाँचवीं दफ़ा पढ़ें, आपने किसी भी MCQs पर रुकना नहीं है, आपने कम से कम इस पेपर को 5 दफ़ा पढ़ना है, और फिर आखिरी जो 10 मिनट बचें लेड पेंसिल रख लें, जो आपको आंसर करीब लगता है क्वेश्चन पेपर पे उसको टिक करते जाएं, ताकि बाद में आपको आसानी रहे, और एंड पे जो मार्कशीट होगी वो आपने एंड आखिरी 10 मिनट में लगानी है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, आपको कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिएगा कि और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस मुसलसल वह MCQ सॉल्व करने का एक तरीका, बोर्ड पे होता तो शायद कुछ बेहतर होता, लेकिन बस वीडियो छोटी बने ताकि कम MB में व्हाट्सएप पे चली जाए, कोशिश ये थी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।